उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमने आपको अपडेट दी है हमारे छोटे छोटे फिंचेस के बच्चों की कि वो बड़े हो गए और आपने देखे कितने क्यूट से हैं। खैर मौसम बहुत ही अच्छा है और आज का दिन संडे का दिन है जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो आज भी एक स्पेशल मिशन पे जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल मिशन है, ठीक है। और मोस्टली हमारे मिशन संडे को ही होते हैं। आज के मिशन पे जा रहे हैं मैं और अहमद, और क्या मिशन है वो आज हम बताएंगे नहीं आपको, दिखाएंगे। तो लिहाजा वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें आने जा रही हैं आज के दिन। तो चलते हैं, अभी कुछ बर्ड्स हमने कार्गो कराने हैं वो पकड़ते हैं और फिर जाते हैं अपने कार्गो रिसीव करते हैं। लेट्स गो। अब हुआ जाता है वक्त हमारे बर्ड्स को पकड़ने का। हम बड़े वाले केज में आ गए हैं और ये बर्ड्स सारे उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बड़े केज में सबसे ज़्यादा मज़ेदारी एक तो ये होती है कि आपके बर्ड्स उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यह कि बड़े केज को भरना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बर्ड्स की आपको ज़रूरत होती है। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे बर्ड हैं इसलिए वो उड़ते हुए इस केज में अच्छे लगे। तो खैर अभी शुरू करते हैं अपने पकड़ने वाला काम। और काम को हमने जब शुरू किया तो हमने देखा कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब से हमने नई स्टेक्स लगाई हैं तो कभी हमें इधर कूदना पड़ता है, कभी वहाँ कूदना पड़ता है, बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि कोई स्टेक अगर गिर गई तो नुकसान हो सकता है। खैर फटाफट से इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि हाथ आने का नाम नहीं ले रहे। तो जैसे ये पकड़े जाते हैं आपको दिखाते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि कौन से बर्ड हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने अपने दोनों बर्ड को पकड़ लिया। इनमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा, लेकिन यह है कि अब इसके बाद हम चलते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं यूटिलाइज करते, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे काम हैं। कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्गो आने हैं वो भी लेने हैं, तो इसीलिए अब बस चलते हैं और इनको फटाफट से कार्गो करते हैं और अपने जो नए बर्ड्स आ रहे हैं उनको हम फटाफट से रिसीव करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये भी कोई एक ख़ास चीज़ हमने ली थी, ये भी मंगवाई थी, काफ़ी दूर से आई थी। और ये क्या चीज़ है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बल्कि एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। और बाई चांस को इतना अच्छा कवर करके लिया है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। तो ये तो अहमद का शुक्रिया कि इसने वीडियो बना ली
और थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर लिया हमारे व्यूअर्स के लिए किसमें क्या है। कार्गो एरिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अभी कार्गो लगाते हैं और जो कार्गो हमारा आया है वो रिसीव भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये अब जा रहे हैं, अल्लाह करे खैर के एरिया से पहुँच जाए, उनको लेके चलते हैं। और बाकी एक छोटी सी हमने आपके लिए वीडियो क्लिप ऐड किया है जिसमें हमने अपना लोकल बस स्टेशन दिखाया है और ये हर शहर में होते हैं, इसी तरह होते हैं, बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर हैं। पास से रिसीव हो गया और बड़ी अच्छी पैकिंग करके बड़े तरीके से उन्होंने भेजा है, उसको खोल नहीं सकते, घर चल के खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर। इसके अंदर एक चीज़ मौजूद है जो कि हम ले आए हैं और अभी अब इसको अंदर छोड़ने जा रहे हैं, बड़ी कवर होके इसलिए आई है क्योंकि बहुत दूर से आई है, बाबरपुर से ही आए हैं और अभी इसको अंदर छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो फ्रेंड्स अब अनबॉक्सिंग होने लगी है हमारे पहले सरप्राइज़ की। जो पहला सरप्राइज़ है वो क्या है, बहुत सब को लोगों को तो आइडिया हो ही गया होगा, जिनको नहीं हुआ तो वो भी इस वीडियो में देख लेंगे कि ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम अपने पहले सरप्राइज़ की जो कि आज आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, ये मुल्तान से ही आए हैं तो माशाल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और अब आप देखिएगा कि मैं इनको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये निकल नहीं रहे क्योंकि काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं, तो थोड़ा सा थके हुए भी होंगे लेकिन यह है कि जब ये स्टेज में निकल आएंगे तो बड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये बर्ड्स हैं, इनको आप देखें, ये दो हमारे मेल आए हैं, स्पेशल मेल्स आए हैं, अलेक्जेंड्राइन रॉ के मेल हैं ये और ब्रीडर मेल हैं, ये हमारे पास आए हैं बड़ी दूर से, भाई लेके आए हैं, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, उन्होंने हमें ये मेल दिए और हम इनके लिए फीमेल्स भी लेकर आएंगे और वो भी इनके साथ यहाँ छोड़ेंगे। फिलहाल आप इनको देखिएगा, इनको एंजॉय करिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में लाजमी लाजमी बताइएगा। और मेरा अपना यही इस दफ़ा का प्लान था कि इस दफ़ा हम रॉ के पेयर लगाएं एज़ कम्पेयर बाकी बर्ड्स की निस्बत, क्योंकि बाकी हमारे पास काफ़ी सारे रॉ के पेयर जो है वो थोड़े कम थे, हमने सोचा कि ना इनको एड ऑन किया जाए। तो खैर ये हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हमारे पास टोटल कितने हो गए हैं और कितने मज़ीद भी लेंगे, जो भी होगा आपको पता तो चल ही जाएगा। खैर ये दोनों अब हमारे बर्ड निकल चुके हैं और आपने देखे हैं बड़े अच्छे बर्ड हैं, और इसके साथ साथ अब चलते हैं हम अपने दूसरे सरप्राइज़ की तरफ क्योंकि वो भी दूर से आया है और उसको भी खोलना बहुत ज़रूरी है और आपको दिखाना भी है कि उसके अंदर क्या है। तो अब करते हैं अपने दूसरे सरप्राइज़ को अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है।
तो आपने गौर से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। जो वीडियो नहीं देखेगा उसको पता नहीं चल सकेगा कि इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली इसके अंदर जो मौजूद है वो है ये हमारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी डव। बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही क्यूट हैं और है भी बहुत सारी, क्योंकि मुझे था कि हमारा केज ऐसा है कि छोटा है और इसकी टू साइडेड है, उसमें बर्ड्स प्रोमिनेंट नहीं होते, तो इसीलिए फिर हमने बहुत सारी ली हैं ताकि ये नज़र आ सकें और ये इस केज में अच्छे से रह सकें। तो भी आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा काउंट करने की ये कितनी है, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये कितनी है, क्योंकि हमने ये काउंट नहीं की। तो अभी आप इसको देखें और हमें बताएं, और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इनको तो हमने छोड़ दिया है और अभी चलते हैं बाहर, इनको कुछ खाने का डालते हैं ताकि ये उसको खाएं और हम आपको क्लोजली दिखा सकें कि कितनी सारी हैं और बाकी बर्ड के साथ ये एडजस्ट हुई हैं कि नहीं। और बाकी ये है कि वीडियो को देखिएगा, हमें सपोर्ट किएगा, ये बर्ड भी आपके हैं, हम भी आपके हैं, ये वीडियोज़ और बर्ड सब हम आपके लिए करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को इन्जॉय करें और पूरा देखें। और बहुत ज़्यादा छोड़ी हैं, वो भी हमें भी नहीं पता कितनी है, ये काउंट करेंगे आपको दिखाएंगे। अभी बड़े मज़े से एडजस्ट हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इनके सिटिंग के लिए कुछ नई नई चीज़ें लगानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनको बैठने की जगह कम हो गई है। बर्ड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये मेरा अपना अंदाज़ा एक है कि ये अब हमारे पास कम से कम कोई 150 से लेके 200 के करीब बर्ड इसके अंदर मौजूद है, जो मुझे लगता है। तो क्योंकि वो आपको देखने में भी लग रहा होगा, इसमें बर्ड चीज़ आ चुकी है, कॉकटेल भी हैं, लव बर्ड्स भी आ गए हैं और ये डव थी वो भी आ गई हैं, दो हमारे सन के नहीं हो रहे हैं ये भी आ गए हैं। वैसे अब जगह इसमें कम हो गई है, लेकिन अब मजीद कोई बर्ड हम जब लेंगे तो इसमें से किसी न किसी बर्ड को निकालेंगे। तो ये तो था इनका छोटा सा शौक। अब चलते हैं अपने बड़े बर्ड्स के पास और उनको भी दाना डाल देते हैं, क्योंकि आज शाम हो चुकी है और इनको भी दे सकते हैं ताकि खाने में इंतजार में इनके लिए दाना। ये भूखे बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये आना शुरू हो गए हैं एक एक करके, अभी रखते हैं। और आप ये भी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, इनके लिए भी हमें अब दो बर्तन रखने पड़ेंगे। अब ये एक तो डाल दी, मेरे पाँव पे भी काट रहे हैं, तो अभी ये रखते हैं और दूसरा लेके आते हैं, वरना ये काटेंगे। आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपने हमें कमेंट से लाजमी बताना है। मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है और अभी हमने कुछ बर्ड्स को दाना खाना डाल दिया है, इनको खिला पिला दिया है, अब जाएंगे कुछ अपने काम करेंगे और आपके लिए वीडियो सोचेंगे और लाएंगे। तो
मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।